हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर छोटा डिजाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए कितना सुंदर बना है। ये 3-3 का मल्टीप्लाई किया गया है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इस डिजाइन को आप स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। ये एक ही साइड से बनता है और एक ही सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, अब मैं आपको बनाना बताऊंगी ये कैसे बनाया गया है। शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस प्रकार से बनाइए। ये देखिए, एक फंदा स्लिप किया और फिर आगे टू रो हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये थी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारी सेकंड रो जो उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। गैप के लिए आप 4 रो भी डाल सकते हैं, 2 रो भी डाल सकते हैं। अगर आपको पत्ती को बड़ा बनाना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। ये हमारी उल्टी साइड कंप्लीट हो गई। ये 2 रो पहले हम इस प्रकार से डालेंगे। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट वाला फंदा हम स्लिप करेंगे। आप चाहें तो बुन भी सकते हैं या स्लिप कर सकते हैं। ये सेकंड वाला फंदा मैंने स्लिप किया है। और अब ये देखिए, ये पीछे वाला फंदा, थर्ड वाला फंदा ऐसे ही रखेंगे और ये फोर्थ वाला फंदा, इसको हम इस प्रकार से आगे लेकर आएंगे, ऐसे इसको बीच में, और जो हमने स्लिप किया था इसको ऊपर रखेंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ लेंगे इस प्रकार से। तीनों फंदों को एक साथ लेकर इस तरह से एक बार बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, फिर दोबारा से फिर इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे, आगे की तरफ धागा रख के इन फंदों को पीछे की तरफ से बुनना। ये देखिए, तीनों को एक साथ बुना और फिर तीनों को एक साथ उतार दिया। अब 3 फंदे यहाँ थे तो हमारे 3 फंदे यहाँ भी कंप्लीट हो गए। ऐसे ही फिर देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये दोनों फंदे उतार कर इस प्रकार से डालेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे ऐसे, और इस फंदे को, आगे वाले को जो स्लिप किया था, इसको भी इसके ऊपर रखेंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ लेकर ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, फिर धागा आगे किया और फिर से बुन लिया। ये देखिए, वापिस 3 फंदे। ये फंदा स्लिप करेंगे, ये 2 फंदे निकाल लेंगे, बीच वाले फंदे को पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे लेंगे।
यानी कि बीच में, और जो स्लिप किया था इसको ऊपर रखेंगे। अब इन तीनों फंदों को एक साथ लेकर, ये देखिए थोड़ा लूज बनाइए उल्टी साइड से, फिर आराम से उठ जाएंगे ऐसे। धागा आगे करें और दोबारा से फिर से इन्हीं तीनों फंदों को एक साथ बुनें। ये फंदा स्लिप करेंगे और ये टू फंदे निकाल देंगे, बीच वाले फंदे को पीछे, पीछे वाले फंदे को आगे, और आगे वाले फंदे को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए अब तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और इस प्रकार से बना देंगे। एक फंदा बुना, धागा आगे किया, फिर से दोबारा से पीछे की तरफ बुने ऐसे, थ्री फंदे के थ्री फंदे एक साथ बुन गए। पूरी रोह में इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है, इसको आगे रखना है और इस फंदे को इसके ऊपर रखना है ऐसे। अब तीनों फंदों को एक साथ लेना है ऐसे, एक बार बुना, धागे आगे किया और फिर से दोबारा से फिर बुना इन तीनों फंदों को ऐसे। ये ये स्लिप किया, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे ऐसे, और पीछे वाले फंदे को ये देखिए आगे ले लेंगे यहाँ पर, और आगे वाले फंदे को इसके ऊपर एक बार बुन ले, फिर धागा आगे करके दोबारा से फिर पीछे की तरफ बुने, वापिस तीन फंदे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए इस फंदे को पीछे उठाएं, इस फंदे को इसके ऊपर रखें, इसको इसके ऊपर, एक बार बुनेंगे ये दो बार, ऐसे फिर इसको ऐसे। ये एक बार और ये आगे धागा करके दो बार, ये पूरी रो हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। ये फंदे हमारे तीन फंदे के वापस तीन फंदे बन गए हैं और इस प्रकार से ये दिखाई देंगे। अब आगे देखिए कैसे करेंगे, उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये फर्स्ट वाला फंदा, ये सेकेंड वाला फंदा और ये थर्ड वाला फंदा, तीनों फंदे वापस आ गए। ऐसे ही उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लें। पूरी रो उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। ये सिर्फ इसी एक सिलाई का ही डिजाइन है, ये थ्री रो तो हमारी सिंपल बनी हुई है। ये उल्टी, फिर एक सीधी बनाएंगे, एक उल्टी बनाएंगे, थ्री रो में, और फोर्थ रो में ये डिजाइन बनेगा।
और बार बार ये इसी प्रकार से बनाना है। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। बार बार यही 4 रो हमें रिपीट करनी है और इस प्रकार का डिजाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लगा है। ये इसका फ्रंट है और बैक साइड उल्टा उल्टा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।